तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ स्पॉन्ज आयरन का, जहाँ स्पॉन्ज आयरन कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा और कहाँ है वो सेट दिखाऊंगा। लेकिन दिखाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखते हैं आगे का वीडियो। तो देखिए, स्पॉन्ज आयरन का जो सेट है उसको पहले देख लेते हैं। ये हो गया स्पॉन्ज आयरन का, ये सामने वाला है, ये पूरा लंबा गया है वहाँ तक, तो सिर्फ स्पॉन्ज रखने के लिए, जो स्पॉन्ज आयरन होता है वो रखने के लिए सेट बना है। अभी इसके अंदर मैं जाऊँगा और दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं है। अभी फिलहाल स्पॉन्ज ज़्यादा है नहीं, खाली है, काम चल रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ का अगल बगल जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पौधा लगाया पूरा अच्छे से रोड किनारे, ये इधर जा रहा है एक रोड और इधर जा रहा है एक रोड। तो देखिए, अब वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए। अच्छा लगेगा तो आपको बताइएगा कमेंट में, और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो देखिए, जस्ट अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा, आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या है, स्पॉन्ज कैसे दिखता है। जो आप देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सेफ्टी। तो गाइस बताना चाहूँगा, गाछ पेड़ जो होता है हमारे सेफ्टी के लिए होता है, ये हमको ऑक्सीजन देता है, तो इसको आप लोग सेफ कीजिएगा, पानी दीजिएगा, इसको अच्छे से रखिएगा। यह हम लोग का बहुत काम का चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे पौधा लगाया हुआ है। ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसमें एयर निकलता है, हवा निकलता है, ये स्पॉन्ज आयरन का बाहर का लगा हुआ है। तो देख रहे हैं सेफ ट्री, तो प्लीज़ गाइस सेफ कीजिएगा ट्री को, बचाइएगा उसको, मारिएगा मत। चलते हैं आगे अंदर में। तो आप देख सकते हैं अंदर का व्यू, अभी अंदर आ गए हैं। ये जो है कन्वेयर गया है बेल्ट, ये हॉपर है, वहाँ जाके बोरा में लोड होता है, यहाँ से माल जाता है वहाँ जाके बोरा पैक होता है। ये देखिए बोरा रखा हुआ है, इसमें सब स्पॉन्ज आयरन का गोली रखा हुआ है। ये देखिए अंदर का पूरा सेट। यहाँ एक हॉपर है, यहाँ जेसीबी से माल लोड करता है, यहाँ बेल्ट में जाता है आयरन, वहाँ जाके बोरा में पैक होता है। तो देखिए इसका व्यू, बहुत बड़ा शेड है, हम ही लोग काम कर रहे हैं इसमें। अब स्पॉन्ज यहाँ ज़्यादा है नहीं है, आज ही जो गाड़ी खाली हुआ है वहाँ कोने में, वो देखिए वहाँ स्पॉन्ज रखा हुआ है, दिखाऊंगा मैं सामने सामने। ये देखिए स्पॉन्ज आ रहा है, गोली एक प्रकार का लोहा है, लेकिन इसको स्पॉन्ज आयरन बोलते हैं। आप लोग अगर देखे नहीं है तो देख लीजिए, एक प्रकार का ये लोहा है, ये सब मटेरियल बहुत सारी चीज़ है, एक साथ मिक्स होता है उसके बाद लोहा बनता है। तो ये है स्पॉन्ज आयरन, देखिए इसके कलर देखिए, ये होता है स्पॉन्ज। हर प्रकार का पत्थर मिला के लोहा बनता है, एक पकड़ है, और भी बहुत सारे चीज़ मिलाते हैं। तो अब ये स्पॉन्ज का ही दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए अब पूरा गाड़ी खाली वहाँ हुआ है, खाली करके अभी जस्ट गया है। ये स्पॉन्ज ही है जो DRI के पास से निकलता है गोली बन के, और यहाँ देख सकते हैं व्यू अंदर का पूरा, मैं पूरा अंदर में हूँ, देख रहे हैं शेड। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, वीडियो को वॉच कीजिए। थोड़ा सा आयरन भरा हुआ है, बाहर जाता है इसको कंपनी किसी और को बेचता भी है और अपना यूज़ भी करता है। ये है हॉपर, यहाँ
माल जाके बोरा पैक होता है। आज काम बंद है, नहीं तो आपको दिखाता कैसे बोरा पैक होता है। तो बोरा यहाँ पैक है, ये देखिए सामने से ऊपर इसमें ये जो बेल्ट गया है उसमें माल इसमें डालते हैं, वहीं नीचे आके यहाँ नीचे माल गिरता है, वहीं बोरा पैक होता है। आज काम बंद है इसलिए आज नहीं दिखा सकते बोरा पैक। माल वहाँ से डाल के बेल्ट से वहाँ से गिरते हैं, यहाँ अंदर आता है, अंदर से यहाँ मशीन में जाता है और नीचे जाके गोली गिरता है तो बोरा पैक होता है। वो मशीन बैठा हुआ है, आज काम नहीं हो रहा है इसलिए दिखा नहीं पा रहा आपको, ठीक है। ये इसीलिए सप्लाई के लिए कनेक्शन किया हुआ है। मैं आ गया हूँ बाहर, बाहर से आपका व्यू देखो अच्छा लगा तो बताइए। ये बाहर का व्यू है आयरन सेट का, वो जो देख रहे हैं आपको ये भी आयरन है, बहुत सारा रखा हुआ है, देख रहे हैं ना। देखिए ये बाहर का नज़ारा। लेकिन गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखें पूरा अच्छे से, आपको अच्छा लगा तो बताइए कमेंट में, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कीजिएगा गाइस। ये जो चीज़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं डोलोमाइट, ये भी उसके साथ मिक्स होता है, आयरन के साथ डोलोमाइट मिक्स होता है, और भी कोयला डस्ट इस पूरा सब मिक्स करके लोहा को बनाते हैं। बस मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, डोलोमाइट रखा हुआ है देख सकते हैं, ये सब मिक्स होकर लोहा बनता है। बहुत प्रकार का चीज़ डालता है तभी ये लोहा बनता है, करीबन मैं 5-6 प्रकार का चीज़ डालता है। तो गाइस आप देखें वीडियो, अगर अच्छा लगा तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत चीज़ बताऊंगा आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक रखता हूँ, अच्छा लगा इस पहुँच जा रहा है, आपको पता होगा तो आप ठीक है, नहीं पता होगा आप देख लीजिए, ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय, फिर आता हूँ नेक्स्ट में।